हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सीरीज का सिक्स्थ पार्ट। इसके पहले के पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि सेक्ट के सभी लोग मार्शल मीटिंग के लिए इकट्ठा हो गए हैं और शाओ फैन इसमें पहली बार पार्ट लेने वाला है। यही हम सेक्ट के किंग को एक डीमन स्पिरिट से बात करते हुए देखते हैं और पता चलता है कि वो डीमन सेक्ट की शांति को भंग करना चाहता है। तो ये एपिसोड ग्रेट हॉल में चल रही एक मीटिंग से शुरू होता है, जहाँ किंग के अलावा बाकी सेट के मास्टर भी मौजूद हैं। कैंगजोंग को लगता है कि इतने सालों में वो डीमन स्पिरिट कमजोर पड़ गई होगी और हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब बुई उससे पूछता है कि तुम इस बारे में इतना शोर कैसे हो सकते हो, और यहाँ मास्टर येकुन उन्हें बताता है कि डीमन स्पिरिट वेनफू नाम की एक एंशिएंट गुफा में रहती है, जो यहाँ से थोड़ी ही दूर कोंगसेंग माउंटेन पर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक आम इंसान उस गुफा में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस पर मास्टर जियांग कहता है कि 800 सालों से उस डीमन ने वहाँ अपना घर बनाया हुआ है और उसे काबू करना इतना आसान नहीं होने वाला। कैंगजोंग कहता है कि इसीलिए तो हमने ये मार्शल मीटिंग रखी है, ताकि हम अगली जनरेशन के फाइटर्स को ट्रेन कर सकें और इससे हमें सेट को डिफेंड करने में भी मदद मिलेगी। किंग भी कैंगजोंग की बात से एग्री करता है और कहता है कि बुरी शक्तियों को मिटाना ही हमारा मेन मकसद है। वो इसमें सेट के साथ साथ टियानियन टेम्पल की भी मदद लेना चाहता है, ताकि वो भी अपने डिसाइपल्स को यहाँ मदद करने भेज सके। वो बताता है कि ये मार्शल मीटिंग हमारे बहुत काम आने वाली है, क्योंकि उनके टॉप 4 फाइटर्स वेनफू गुफा की इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे और इस टूर्नामेंट का विनर ही उनके सेट की बैकबोन बनने वाला है। आगे का सीन एरिना का है, जहाँ शाओ फैन अपने मंकी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और डेरेन उससे कहता है कि तुम्हें मंकी से ज्यादा इस कॉम्पिटिशन में ध्यान देना चाहिए। तभी वहाँ एक मीन नाम की लड़की आती है और कहती है कि लगता है इस बार तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो। डेरेन उसे देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और तब एक जूनियर कहता है कि सीनियर डेरेन तो पिछले टूर्नामेंट से ही तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। डेरेन उसे चुप रहने को बोलता है और उसे शर्माते हुए देखकर सभी लोग उसे छेड़ने लगते हैं। तभी वो सब ड्रैगन क्लैन को आते हुए देखते हैं, जिन्हें खुद की हाउ लीड कर रहा है, और वो आते ही सबसे पहले लिंजर से मिलने आता है। मिन की हाउ से कहती है कि लास्ट टाइम मेरे क्लैन ने तुम्हें हरा दिया था और उम्मीद है कि इस बार तुम पूरी प्रैक्टिस के साथ आए हो। इस पर कियाओ कहता है कि मैं भी उस हार से बहुत एम्बैरेस था, लेकिन इस बार मैं यहाँ से जीत कर ही जाऊँगा। मिन उसके कॉन्फिडेंस की तारीफ करती है और बताती है कि इस बार भी मेरे क्लैन के फाइटर्स बहुत टैलेंटेड हैं और तुम्हें उनसे बच कर रहना होगा। कियाओ उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और मिन लिंजर को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी शाओ फैन से मिलने लिन वहाँ आता है और शाओ फैन देखता है कि कुछ ही दिनों में वो और स्ट्रॉन्ग हो गया है। लिन को भी लगता है कि शाओ फैन का ऑरा भी काफी इनक्रेडिबल है, लेकिन शाओ फैन कहता है कि वो तो बस यहाँ कुछ एक्सपीरियंस लेने आया है। इस पर लिन कहता है कि इतना हम्बल होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुमसे एक असली मुकाबला करना चाहता हूँ। यही हम ड्रैगन क्लैन के एक फाइटर को देखते हैं, जो मंकी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और इसी चक्कर में शाओ फैन के पास आ पहुँचता है। वो पूछता है कि क्या तुम ही इस मंकी के मालिक हो, जिस पर शाओ फैन उसे बताता है कि इस मंकी का नाम हुई है और ये मेरे साथ डाजू क्लैन से आया है। उस लड़के को ये सुनकर बहुत हैरानी होती है कि आखिर एक 3 आंखों वाले मंकी को तुमने कैसे टेम कर लिया, क्योंकि आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया। शाओ फैन को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है और तब वो लड़का बताता है कि ये एक तरह का रेयर स्पिरिट बीस्ट है, जिसने अभी तक अपनी तीसरी आंख को नहीं खोला है, और जैसे ही ये ऐसा करेगा तुम्हें इसकी पावर्स के बारे में पता चल जाएगा। तभी अरीना में अनाउंसमेंट होने लगती है और हम देखते हैं कि किंग और उसके मास्टर्स वहाँ पहुँच चुके हैं। किंग वहाँ आए सभी फाइटर्स का वेलकम करता है और बताता है कि ये ट्रेडिशन सदियों से चलता आ रहा है, जहाँ हम आने वाले फाइटर जनरेशन को तैयार करते हैं। यही हम देखते हैं कि वो लड़का एक बार फिर उस मंकी से मिलने आता है और कहता है कि मैं तुम्हें तीसरी आँख खोलते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन मंकी परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम सेंग शुशु है और मैं विंड क्लैन से हूँ। शाओ फैन को उसका लास्ट नेम थोड़ा अजीब लगता है और सेंग कहता है कि तुम इसका गलत मतलब निकाल रहे हो, और वैसे तो मेरा असली नाम सेंग यिंगशोंग था, लेकिन मेरे डैड ने प्यार से उसे चेंज कर दिया। शाओ फैन कहता है कि ये तो वाकई बहुत अच्छा नाम है, लेकिन सेंग कहता है कि मैं लोगों को ये समझाते समझाते थक चुका हूँ और वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है, जिसमें कुछ फाइटर्स अपनी स्वॉर्ड टेक्निक प्रेजेंट करते हैं और सेंग बताता है कि इन तलवारों की एनर्जी एक ही जगह फोकस्ड है, जिससे एक अमेजिंग मोमेंटम बनता है।
शाओ फैन भी ये देखकर दंग रह जाता है और ये भी नोटिस नहीं करता कि अचानक उसकी ब्लैक स्टिक चमकने लगी है। तभी एक तेज आवाज से पूरा एरिना हिलने लगता है और हम देखते हैं कि पानी से वो वाटर ड्रैगन बाहर आ गया है जो असल में सेट की गार्डियन स्पिरिट है। किंग ये देखकर तुरंत उसे रोकने जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि आपको यहाँ से वापस चले जाना चाहिए और वाटर ड्रैगन भी ये मानकर वापस चला जाता है। सभी फाइटर्स ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि शायद गार्डियन स्पिरिट उन्हें आशीर्वाद देने आई थी और तब कैंग सोंग उन सबको शांत रहने को बोलता है। वो उन्हें इस बार का इनाम दिखाता है जो देखने में किसी गोल्डन मिरर जैसा है और सैंग शाओ फैन को बताता है कि ये हमारे सेट के सबसे पहले लीडर का है और कहा जाता है कि इसकी मदद से तुम किसी भी अटैक को रोक सकते हो। उधर कैंग सोंग कॉम्पिटिशन के रूल्स बताता है कि हम तुम्हें 1 से लेकर 64 तक नंबर देने वाले हैं, जहां 1 नंबर का मुकाबला 64 से, 2 का 63 से और ऐसे ही बाकियों के भी पेयर बनेंगे और सेकंड राउंड में इसका फैसला किस्मत से होगा। फिर वो अपने पास रखी उन बॉल्स को हवा में उछालता है और सभी फाइटर्स एक एक करके उन्हें पकड़ने लगते हैं। शाओ फैन आराम से खड़ा ये सब देख रहा था कि तभी एक बॉल लुढ़कती हुई उसी के पास आ जाती है और वो आगे आकर उसे उठा लेता है। कैंग सोंग कहता है कि अब मैं तुम्हारे नंबर्स पुकारूंगा और नंबर सुनते ही तुम्हें सामने आना होगा। सबसे पहले वो एक नंबर को आवाज लगाता है लेकिन देखता है कि क्राउड में से कोई आगे नहीं आया। उधर शाओ फैन उस बॉल को खोलकर देखता है और पता चलता है कि एक नंबर तो उसी का है। वो ये बात कैंग सोंग को बताता है जो कहता है कि आज तुम्हारा लकी डे है क्योंकि 64 नंबर किसी ने नहीं चुना और इसीलिए हम तुम्हें सीधा राउंड 2 में भेज रहे हैं। बुई को ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि कम से कम उसका एक फाइटर तो अगले राउंड में चला गया है। आगे हम पहले राउंड में होने वाली फाइट्स को देखते हैं, जहां हर कोई अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है लेकिन डाजू क्लैन के स्टूडेंट कमजोर पड़ रहे थे। की हाओ इस बार पूरी फॉर्म में था और ऐसा लग रहा था जैसे वो लिंजर को इम्प्रेस करना चाहता है। विंड क्लैन से आया सैंग भी अपनी फाइट जीत जाता है और अब नंबर आता है लिंजर का, जिसका मुकाबला सन पीक के फाइटर टियांडो से होने वाला है। डेरिन लिंजर से कहता है कि तुम्हें इससे सावधान रहना होगा क्योंकि लास्ट टाइम इसने दो मास्टर्स को भी हरा दिया था, लेकिन लिंजर कहती है कि मेरे सामने ये नहीं टिक पाएगा। वो फाइट से पहले टियांडो को ग्रीट करती है लेकिन टियांडो तो जैसे जल्दी में था और बिना इंटीमेशन दिए अपने अटैक करने लगता है। लिंजर इसे चीटिंग बुलाती है लेकिन टियांडो कहता है कि ये चीटिंग नहीं बल्कि मेरा फाइटिंग स्टाइल है। उधर उनकी फाइट चल रही थी और इधर सैंग शाओ फैन का पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं था और उसे ऑफर करता है कि मैं तुम्हें इस मंकी के बदले कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन शाओ फैन उसका कोई भी ऑफर सुनने से मना कर देता है। तभी टियांडो लिंजर को अपने रॉक्स में ट्रैप कर लेता है और की हाओ और शाओ फैन ये देखकर परेशान हो जाते हैं। टियांडो लिंजर से हार मानने को बोलता है और तभी अचानक शाओ फैन की स्टिक फिर से चमकने लगती है जिससे निकलस मॉक उन रॉक्स को नष्ट कर देता है। टियांडो को भी बहुत हैरानी होती है और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए लिंजर अपने स्कार्फ से उस पर अटैक करने लगती है। तभी उसकी नजर उस ब्लैक स्मोक पर पड़ती है और उसका ध्यान भटकते ही लिंजर अपने मूव से उसे हरा देती है। शाओ फैन भी हैरान होकर अपने हाथ की ओर देखता है जिसे उठाते ही वो पत्थर नष्ट हो गए थे। तभी सैंग उसे अपनी एक बुक दिखाता है और बताता है कि ये बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलती है और उसके मना करने के बावजूद सैंग जबरदस्ती वो उसके हाथ में दे देता है। शाओ फैन देखता है कि इसमें तो कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं और घबरा कर वो उसे पीछे छुपा लेता है। फिर लिंजर वहाँ उससे मिलने आती है और नोटिस करती है कि वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। वो उससे इसका कारण पूछती है लेकिन सैंग उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है और कहता है कि सबसे इंटरेस्टिंग फाइट तो अब होने वाली है। वहाँ वो मून क्लैन के एक फाइटर को देखते हैं जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।